खराब हो गया है, मेरी फ्रेंड की उनकी बैटरी चली गई है, मुझे एक फोन कॉल करना है प्लीज, मुझे यहाँ पास में किसी होटल छोड़ दीजिए प्लीज। देखो, there are some things I want to make clear. First of all, इसमें मेरी गलती नहीं कि तुम एक एक्ट्रेस नहीं बन पाई. दूसरी चीज, you can't treat me like a dumb husband. हम यहाँ तुम्हारी परेशानी की वजह से आए थे और यहाँ आने के बाद भी तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूँ. तीसरा ये कि तुम मुझे अपने उस पहले पति की तरह ट्रीट नहीं कर सकती या अपने उन फ्रेंड्स की तरह जिनके साथ तुम्हें फ्लर्ट करने से फुर्सत नहीं है. हम गाड़ी में जाकर बात कर सकते हैं, जो कुछ पूछ रहा हूं. What? हम गाड़ी में जाके बात कर सकते हैं. मैंने कहा ना, मुझे बात नहीं करनी है. Look, I'm trying to be nice here, तुम, I don't deserve this. You don't deserve this? और I don't deserve this. जो कुछ भी अभी तुमने मुझे बोला है, तुमने तो ये तक बोल दिया कि मैं किस... माया, तुम बीमार हो या तुम्हें भी पता है. I mean that. You know what you are? You are pathetic and disgusting. किसी भी एंगल से मर्द के लाने लायक नहीं हो तुम. Get lost. गार्ड, हाथ खोलो. ये ले जाओ और तुम चल जाओ.
क्या चाहिए? Are you okay? कुछ चाहिए? सिगरेट? दिल हल्का हो जाएगा. टीयर्स आर द बेस्ट मेडिसिन. मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है. अभी नहीं डियर. फोन पे. वेट फॉर सम टाइम. Everything in due course. Please. थोड़ा वेट करो. फोन पे. करवा देंगे. Please. I want to do it now. अभी नहीं डियर. Please. Everything in due course. साली कुतिया, देखती हो तो यहां से कैसे निकलती है. हम इसी नरक में चढ़ेंगे जब तक तू मुझे हां नहीं बोलती. प्यार के बदले जो तू चाहेगी, जो बोलोगी वो मिलेगा. रानी बना के रखूंगी. रानी
dial does not exist. Please check the number and dial again. जब तक तू मुझे हाँ नहीं बोल रानी बना के रखूंगी रानी प्यार के बदले जो तू चाहेगी सिगरेट चॉकलेट या फिर जो बोलेगी वो मिलेगा काम हो जाना चाहिए शुरुआत में तो कुछ पता नहीं था कौन है कहां से आई है देयर वाजंट एनी इंफॉर्मेशन एट ऑल हमने कुछ टेस्ट किए हैं कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं कुछ ब्लड टेस्ट हैं कुछ ब्रेन मैपिंग है बट साइंस आर नॉट गुड वैसे आपको अपनी वाइफ के बारे में पता कैसे चला इंश्योरेंस कंपनी से वो कुछ भी पता कर सकते हैं हाँ इंश्योरेंस वाले कुछ भी पता कर लेते हैं दरअसल बात यह है कि आपकी वाइफ काफी सीरियस है बात बात पे गुस्सा करना फिट्स आना गुस्से में चीजों को तोड़ना सिगरेट के लिए बेचैनी होना शी सीरियस दिस इज सो स्ट्रेंज मतलब गुस्सा उसे हमेशा से आता था लेकिन इतना नहीं जितना आप बता रहे हैं ठीक है आपकी बात दरअसल होता क्या है कि कुछ बिहेवियर इंसान के अंदर दबा रहता है और अचानक से एकदम से बाहर आता है अब घबराइए नहीं वो ठीक जगह आ गई है ऐसे केसेस पहले भी हमारे पास आए हैं वो ठीक हो जाएगी क्या मैं उससे मिल सकता हूं श्योर ओके वैसे आपकी बीवी को फोन से क्या ऑब्सेशन है वो कुछ नहीं नेवर माइंड दैट ओके
आगे। अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। This has been death. फोन कॉल करने आई थी। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ बस एक